हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। इस प्लांट को तो आप पहचान ही गए होंगे, बिल्कुल ये है सनसेवेरिया का प्लांट, मदर इन लॉ टंग कहते हैं जिसे ऑक्सीजन प्लांट भी कहते हैं और स्नेक प्लांट भी कहते हैं, जो कि लगाना बहुत ही आसान है। मैंने इसकी वीडियो पिछले साल डाली थी और आज मैं आपको सबसे पहले तो वो प्लांट दिखाती हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में डाले थे और उनकी ग्रोथ दिखाती हूँ। उसमें मैंने ये दो पत्ते लगाए थे, एक ये पत्ता था और एक पत्ता ये था, जिसके ये प्लांट्स बन चुके हैं इसमें। और ये अगर बड़ा गमला होता तो ये बहुत फैल चुका होता अब तक, लेकिन क्योंकि मुझे इसे छोटे से गमले में ही रखना है इसको, तो ये देखिए। और ये वाले में से भी ये प्लांट बन गया है, तो इसको लगाना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी देखिए, एक छोटे से गमले में कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी और ये पूरा भर रहा है। मैं अनुराधा वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल पर। और आज का टॉपिक है कि सनसेवेरिया प्लांट को हम कैसे ग्रो करें और उसकी कैसे केयर करें। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि ये आप देख रहे हैं सनसेवेरिया की छोटी पत्तों वाली वैरायटी है, ये बहुत सारी वैरायटी आती है इसके अंदर। तो जब ये इतना सटा हुआ होता है, देख रहे हैं ना कैसे आपस में बहुत सारा गैप नहीं है और एयर फ्लो भी बहुत अच्छा नहीं है, तो ये बहुत अच्छी जगह मिल जाती है कीड़ों को रहने के लिए, ख़ास तौर से मकड़ियों को। तो आप इसके अंदर क्या करें कि ये जो मकड़ियाँ हैं वो नहीं आए इसके अंदर और आपका ये क्लीन सा रहे। तो इसका बहुत अच्छा इलाज है कि आप जब भी आपको पानी डालना है, क्योंकि एक तो इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, ना के बराबर पानी की ज़रूरत होती है, तो आपको जब भी पानी डालना है तो स्प्रे बॉटल से उसको अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। अगर नीम ऑयल है तो वो भी डाल दीजिए, नहीं तो खाली डिश वॉशर को थोड़ा सा पानी में, 1 लीटर पानी के अंदर आधा चम्मच डिश वॉशर बहुत है, तो आप उसको अच्छे से शेक कीजिए। नीम ऑयल है तो नीम ऑयल डाल दीजिए, नहीं तो हल्का सा सोडा भी डाल सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है, तो आप उसी से खाली स्प्रे कर देंगे। तो उससे होगा क्या कि इसके अंदर जो मकड़ियां हैं और तरह के पेस्ट हैं वो घर नहीं करेंगे। और ये इसी प्लांट के साथ नहीं है, जब ये प्लांट ये भी घना हो जाता है तो इसमें भी नहीं दिखाई देता है बीच में, और इसमें भी मकड़ियों के घर बन जाते हैं। तो आप ये काम इसके साथ कर सकते हैं। दूसरा कि इसको कम पानी की ज़रूरत है, कम से कम पानी दीजिए। और एक प्लांट मेरा नीचे भी रखा हुआ है, लीव्स काट के रखी मैंने पानी के अंदर, तो उसमें अगर एक हफ्ता पानी नहीं भी होता तब भी वो एकदम फ्रेश रहती हैं, तो ये इसकी खासियत है। और रूम में रखने के लिए तो बहुत अच्छा है, ये ऐसा प्लांट है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और ये देखिए, एक वैरायटी ये भी है, ये मैं कहीं से लाई थी 3 स्टिक्स, और उनको मैंने ऐसे जैसे हम चोटी बनाते हैं उसकी तरह इसको बनाकर, और इसको थोड़ा मैं क्लियर करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। तो ये मैंने इसके अंदर लगा रखी है और ये भी बहुत अच्छे से है, इसको भी 2 महीने हो गए हैं, और ऊपर से मैंने इसे बांध दिया है, बस ऐसी ऊन बांध रखी ताकि ऊपर से खुले नहीं, बल्कि मैंने एक बार निकाल कर इसको दोबारा से बनाकर भी इसको ऐसे ही रख दिया है। तो अगर आपके पास इस तरह का हैगा सनसेवेरिया तो आप इसकी ऐसे चोटी बनाकर भी लगा सकते हैं, ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। बस इसके लिए जब आप इसकी चोटी बनाना चाहें इसकी, तो आप इसके लिए किस टाइप के सॉफ्ट हो, अगर ये ज़मीन में लगा होता है तो जो इसकी नई नई लीव्स आती हैं वो बड़ी सॉफ्ट होती हैं, एकदम लंबी होती हैं पर सॉफ्ट होती हैं, तो उनसे ये बहुत सुंदर सी बन जाती है। और ये आप ड्राइंग रूम में डेकोरेशन एज ए डेकोरेशन पीस रख सकते हैं। मिट्टी इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, इसे पानी रुका हुआ अच्छा नहीं लगता है। मैं इसको सही बताऊं तो 15 दिन में इसको पानी देती हूं, और कोई टाइम भी नहीं है इसका देने का। जब सब प्लांट्स में देती हूं अपने सेकुलेंट प्लांट्स में, तब इसको भी दे देती हूं, और कई बार ये नहीं भी देती इसको मैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको पानी नहीं भी देंगे तब भी ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। और ये छाया का पौधा है, धूप में आप इसे नहीं रखिए। अगर आप इसे धूप में रखते हैं इसको, तो क्या होता है कि इसकी जो पत्तियाँ हैं वो डाउन हो जाती हैं, तो आप इसको पानी किसी पॉट में रख के पानी डाल के फिर ये गमला रख दीजिए आप। अभी हाल ही में मैंने एक प्लांट लिया है, ये
फ्रेंड ने दी है मेरी, और इसको मैंने नीचे लगा दिया है, इसके अंदर थोड़ी सी तना है, तो एक ही साथ दो जुड़े हुए थे, एक उन्होंने रख लिया एक मैंने रख लिया, तो मैं इसी के ऊपर बताऊंगी कि आपको ऐसे इसकी पत्ती को कैसे कटिंग से ग्रो करना है। आपको ये प्लांट कहीं भी मिले आप इसकी कटिंग ले आइए, इसका पत्ता ले आइए, ज़्यादा बड़ा नहीं लाना चाहते तो छोटे से भी काम चल जाता है। तो मैंने ये यहाँ से ये देखिए ये पत्ता है, इसको आपको ज़्यादा बड़ा नहीं है तो छोटा सा भी काट के आप ला सकते हैं। ये देखिए मैंने इसकी चार चार इंच की चार कटिंग तैयार कर ली है, और अब आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे का हिस्सा कौन सा है और ऊपर का हिस्सा कौन सा है, ये है ध्यान देने वाली बात। तो ये मुझे पता है, मैंने अपने हिसाब से इसको काट के रखा है, आप चाहो तो एरो लगा सकते हो, इस टाइप से कर सकते हो जिससे कि आपको ये पता रहे कि आपका ये पत्ता कौन सा है। ठीक है, आप एक गमले में वेल ड्रेन सॉइल ले लीजिए और इसके अंदर आपको लगानी है अपनी ये कटिंग। बस आपको ये कटिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि नीचे का हिस्सा कौन सा है और ऊपर का हिस्सा कौन सा है। इसमें आपको ऐसे आप रख दीजिए इसको, इसके अंदर एक एक इंच जो है आप दबा दीजिए, और ये 1.5 से 2 महीने के अंदर इसके अंदर जो है बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती है और ये जड़ें इसमें आ जाएंगी। 1.5-2 महीने लगता है इसको और आपके ये 4 प्लांट तैयार हो जाएंगे। इस वैरायटी की जो भी है आप प्लांट्स आते हैं इसके अंदर, मोटी पत्ती का, छोटे प्लांट्स और भी बहुत सारी वैरायटी है इसकी, तो आप उनमें से ऐसे ही लगाना है। आपको ये कटिंग करके ले आइए पत्ता, पूरा प्लांट लाने की ज़रूरत नहीं है, कटिंग करके ले आइए आप इसको और ऐसे करके ग्रो कर सकते हैं आप। वेल ड्रेन सॉइल में बार बार बता रही हूँ आपको, और इसमें आप पानी डाल के इसे आप छाया वाली जगह पे रख दीजिए। फिर आपको पानी तब देना है जब इसकी जो मिट्टी है पूरी सूख जाए। पहली बार पानी इसलिए देते हैं ताकि कोई एयर पॉकेट बन गई हो इसके अंदर तो वो ना रहे और जो मिट्टी है वो सेट हो जाए। फिर उसके बाद आप पानी तब दीजिए जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। आप 1-2 दिन पानी ऊपर भी हो जाता है तब भी इसमें मतलब अगर आप पानी देने में लेट हो जाते हैं तब भी ये प्लांट सर्वाइव करता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होती है। और 1.5 से 2 महीने के अंदर आप देखेंगे कि इसने जड़ें भी इसमें आ जाती हैं और यहाँ पर एक छोटा सा बेबी प्लांट भी लगना, यहाँ पर नहीं लगेगा तो यहाँ लगेगा, जहाँ जहाँ इसके अंदर से जड़ बन के जब दीवार से टच होती है गमले की वहीं से वो प्लांट बनना शुरू हो जाता है, वहीं से मतलब उधर ही वहाँ पे प्लांट निकलता है। जैसे आप ये देखिए मैंने पत्ता तो बीच में लगाया है, ये देखिए पत्ता बीच में लगाया है लेकिन यहाँ से कोई प्लांट नहीं बना और प्लांट जाके बना है बिल्कुल बाउंड्री के साथ जाके। तो उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही सेंसोवेरिया के प्लांट्स को लगाएंगे और ये वातावरण को शुद्ध करने के लिए, ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है, तो आप इसे ज़रूर लगाइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। अगली वीडियो पर फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।